भारत और चीन के बीच ब्राजील में हुई बेहद भयंकर टक्कर। ब्राजील में जल्द होगी आकाश मिसाइल सिस्टम की तैनाती। भारत की आकाश मिसाइल के सामने चीनी स्काई ड्रैगन हुए फेल। दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका देश अपनी सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए डिफेंस सिस्टम खरीदना चाहता है। इसके लिए उसने तमाम देशों के हथियारों की ताकत को देखा है और इसके बाद भारत का आकाश डिफेंस सिस्टम उसे पसंद आया है। चीन भी ब्राजील को अपना स्काई ड्रैगन 50 बेचना चाहता है, लेकिन ब्राजील इसे अपने लिए सही नहीं समझ रहा है, क्योंकि आकाश की ताकत के आगे ये कुछ भी नहीं है। ब्राजील, भारत और चीन तीनों ब्रिक्स के सदस्य हैं और इसी वजह से ये व्यापारिक सहयोग को बढ़ाना चाहते हैं। चीन दुनिया के बाजार में कब्जा करना चाहता है और हथियारों के बाजार में काफी ताकतवर भी है, लेकिन चीन के हथियार जो भी खरीदता है वो हैरान परेशान रहता है, क्योंकि चीन हथियारों के नाम पर दुनिया को अपना कबाड़ बेच देता है और वो देश जो चीन से कर्ज लेते हैं उन्हें वो अपने हथियार खरीदने को मजबूर कर देता है। भारत के हथियार भरोसेमंद और तमाम तकनीकियों से लैस हैं। इसी वजह से जब से भारत ने हथियारों के बाजार में एंट्री मारी है, तमाम देश भारत के हथियार खरीद रहे हैं और जंग में इस्तेमाल कर रहे हैं। आर्मेनिया ने अजरबैजान के खिलाफ भारत के पिनाका सिस्टम की ताकत दिखाई है, जिसके बाद पाकिस्तान का दोस्त अजरबैजान बिलबिलाने लगा था। और अब ब्राजील चीन के स्काई ड्रैगन 50 की जगह भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम को खरीदने वाला है, जो हथियारों के बाजार में भारत की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर अगर भारत अपनी आकाश मिसाइलों को डिप्लॉय करता है तो इस इलाके में चीन का पूरा मार्केट ही बर्बाद हो जाएगा और इसमें भारत का पलड़ा ही भारी पड़ता जा रहा है। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आकाश मिसाइल में ब्राजील में वो सीक्रेट ताकत दिखाई दी है जो दुनिया के किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम में नहीं है। और इसी वजह से अब चीन के साथ साथ अमेरिका भी डर रहा है, क्योंकि इससे उसका डिफेंस मार्केट भी बर्बाद हो सकता है। वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को माना जाता है भारत का आयरन डोम। 25 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन की हर चुनौती को बर्बाद करने में सक्षम। स्काई ड्रैगन 50 की क्षमताओं के बारे में ड्रैगन कर रहा तमाम झूठे दावे। ब्राजील के आकाश डिफेंस सिस्टम खरीदने से भारत के हथियारों के बाजार को कितना बूस्ट मिलेगा, इस बारे में बताने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इसकी क्या क्या ताकत है और ये स्काई ड्रैगन 50 से क्यों बेहतर है। अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो ये 4 से 25 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन की हर चुनौती को बर्बाद करने की ताकत रखता है। यह कम दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है, जो हेलीकॉप्टर, लड़ाकू जेट और यूएवी को निशाना बना सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका ट्रांसपोर्टेशन है और इसे बेहद कम वक्त में एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाया जा सकता है। और इसके अलावा इसका रिएक्शन टाइम बेहद फास्ट है। इसे ब्राजील ही नहीं, आर्मेनिया, फिलीपींस और वियतनाम जैसे देश भी खरीदने के लिए भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं। इस सिस्टम की तुलना इसराइल आयरन डोम से की जाती है, लेकिन इसे विमानों के अलावा आने वाली तमाम मिसाइलों को रोकने की क्षमता के कारण बेहतर माना जाता है। ब्राजील की टीम ने पहले चीनी स्काई ड्रैगन 50 सिस्टम के लिए चीन का दौरा किया, लेकिन ट्रकों से ट्रांसपोर्ट होने वाला आकाश सिस्टम युद्ध के मैदान में इसे भयंकर बनाता है। इसे पहले ही भारतीय सेना और वायु सेना दोनों में शामिल किया जा चुका है। ब्राजील ने स्काई ड्रैगन 50 और SH-15 होविट्जर के लिए 2023 में चीन का दौरा किया था। दोनों का प्रोडक्शन चाइना नॉर्थ इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ने किया है, लेकिन भारत के आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का लाइव प्रदर्शन देखने के बाद उन्होंने अपना इरादा बदल दिया है। भारत ने ब्राजील टीम को एडवांस अर्जुन टैंक और मल्टीपर्पज लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव भी दिखाए थे। भारत के हथियारों की क्षमताओं को देखने के बाद ब्राजील चीन तो छोड़ इन्हें ही खरीदने का मन बना लिया है। चीनी स्काई ड्रैगन 50 को मध्यम दूरी की सरफेस टू एयर मिसाइल के रूप में क्लासिफाइड किया गया है, लेकिन चीन इसकी रेंज के बारे में कोई सही जानकारी नहीं देता है। दूसरी ओर आकाश एक छोटी दूरी की सरफेस टू एयर सिस्टम है, जिसे भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने बनाया है। आकाश सिस्टम दो एडवांस वेरिएंट्स में उपलब्ध है, आकाश एनजी और आकाश प्राइम। ये वेरिएंट बेहद सटीक हमला करते हैं, भारत मिसाइल तकनीक में पहले से काफी आगे है। फिलहाल वो रूस के साथ मिलकर हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है, जो यूक्रेन जंग की वजह से अभी रुकी हुई है।
नहीं तो भारत ने मिसाइल के मामले में तमाम ऐसी तकनीकियां हासिल कर चुका है जो दुनिया के गिने चुने देशों के पास है। MIRV तकनीक उनमें से एक है जिसका इस्तेमाल लंबी दूरी की मिसाइलों में किया जाता है। भारत ने इस तकनीक तो अपनी अग्नि 5 मिसाइल में इनबिल्ट किया है जो भारत की एकमात्र इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम के ब्राजील द्वारा खरीदे जाने के बाद इसकी बिक्री में भयंकर उछाल आएगा। वहीं हथियारों के बाजार में भारतीय हथियारों की मांग बढ़ जाएगी। ब्रह्मोस के बाद आकाश के लिए दुनिया के देशों में मचेगी होड़। पहले से लाइन में लगे ताकत देखने के बाद जल्द करेंगे डील। भारत तमाम देशों का रक्षा पार्टनर बनकर छीनेगा चीन का बाजार। दोस्तों, अगर ब्राजील भारत के साथ आकाश सिस्टम के लिए करार कर लेता है तो इससे भारत के हथियारों के बाजार को बूस्ट मिलेगा। पहले से वियतनाम, फिलीपींस जैसे देश जो लाइन में हैं, वो इसकी ताकत देखने के बाद जल्द करार करेंगे। तमाम ऐसे देश जो चीन से रक्षा साजो सामान खरीद रहे हैं, उनके लिए भारत एक विकल्प के तौर पर मौजूद हो जाएगा। भारत लगातार अपने हथियारों के बाजार का लक्ष्य बढ़ा रहा है। ऐसे सिस्टम बिकने से भारत के रक्षा व्यापार को बड़ा लक्ष्य हासिल होगा। डिफेंस से कमाई होने पर भारत रिसर्च में बड़ा निवेश करेगा और तमाम घातक हथियार बनाएगा। वहीं एक बार संबंध स्थापित होने पर भारत अपने दूसरे उन हथियारों को भी बेच सकेगा जो वो बेचना चाहता है। जब भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल से लैस किया, उसके बाद से कई आसियान देश भारत से इस ताकत को हासिल करने के लिए सामने आए हैं। इसी तरह भारत के आकाश सिस्टम की मांग बढ़ जाएगी। वहीं भारत के तेजस विमानों के लिए भी खरीदार मिलेंगे। भारत ने रूस के साथ Sukhoi-30 के निर्माण के लिए इसलिए करार किया है क्योंकि रक्षा बाजार में वो बड़ी ताकत बनना चाहता है। तोप टैंक समेत तमाम स्वदेशी हथियारों को भारत दुनिया के मित्र देशों को बेचना चाहता है। एक बार मार्केट में भारत की धमक बनने के बाद से रक्षा डील के लिए दुनिया भर में होड़ मच जाएगी क्योंकि भारतीय मिसाइलें इतनी सटीक और ताकतवर है कि एक बार इनकी क्षमता देखने के बाद कोई भी देश इनका कायल हो जाता है। भारत अब रक्षा निर्माण में इतना बड़ा खिलाड़ी बन चुका है कि वो एयरक्राफ्ट कैरियर भी बना चुका है जिसे सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। फिलहाल भारत अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए कमर कस चुका है। भारत ने अपने हथियार बेचने के लिए तमाम देशों में अपने डिफेंस अताशे तैनात किए हैं जिससे उन देशों की रक्षा जरूरतों के बारे में पता चल सके और वक्त के साथ भारत उन्हें ऑफर दे सके। ये हथियारों के बाजार में दमदारी से उतरने का संकेत है। भारतीय रक्षा मंत्रालय इसके लिए तमाम रणनीतियों के साथ काम कर रहा है। यही वजह है कि ब्राजील चीन को छोड़कर भारत के पास आया है। तो दोस्तों, दुनिया के बाजार में भारतीय हथियारों की बढ़ती मांग पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं।